कायनात चाहती है कि आप एक साथ रहें। पांच निशानियां जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के इस दौर में सही शख्स का मिलना मुश्किल लगता है। अगर आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप सच्ची मोहब्बत की तलाश में थक जाते हैं, तो आप हर उस चीज़ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि इन तलख तजर्बात से क्या सीखा? तो सच तो ये है कि ये चीज़ें आपके लिए सही शख्स के साथ मोहब्बत तलाश करने के लिए एक वाज़े रास्ता है। आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मिला है जिससे आप मुतमईन हैं तो ये तरक्की है। कायनात जानती है कि इन चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करना है। जब सही वक्त आता है तो कायनात आपको निशानियां और इशारे भेजती है। कभी कभी वो ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ निशानियाँ हैं कि कायनात चाहती है कि आप एक साथ रहें, जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहली निशानी, आपको उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सच्ची मोहब्बत आपको दुख नहीं देगी, ये आपको कुदरती तौर पर अपने आशिक के साथ बहने देती है। आप उनके दूसरों के साथ लतीफ़े, तर्ज ज़िंदगी, नुक्ता नज़र और ज़ाती फैसलों को समझ जाएंगे। उन्हें खुश करने के लिए आपको उनसे समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये इस बात की अलामत है कि कायनात चाहती है कि आप उसके साथ रहें। दूसरी निशानी, रिश्ते में आप क्या चाहते हैं इसकी उलझन ख़त्म हो जाएगी। आपको रिश्ते में उलझनों का सामना नहीं होगा। आपको पता चल जाएगा कि आप मर्द से क्या चाहते हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि आप उसके साथ शादी करना चाहेंगे या नहीं। आप अपनी इज्जत होते देखेंगे, अपनी हुदूद तय करेंगे और उसे बरकरार रखेंगे और जान लेंगे कि ताल्लुकात में कैसे बढ़ना है। ये इस बात की अलामत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तीसरी निशानी, आप उसे देखकर थकेंगे नहीं। हर कोई हर एक के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, बेमानी और मानी खैस बातें कर सकते हैं, तो ये वो शख्स है कि आप उसके आसपास रहकर अच्छा महसूस करते हैं और आपको उसे हर रोज़ देखने में कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही आपका दिल भरेगा। तो इसका मतलब कायनात आपको सही सिमत में ले जाने की कोशिश कर रही है। चौथी निशानी, इत्तेफाक से आप एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जब कायनात चाहती है कि आप किसी के साथ रहें, तो आप देखेंगे कि आप अहम औकात में उस शख्स से कई बार मिलेंगे, चाहे ये मिलना ऑनलाइन ही क्यों ना हो। आप एक दूसरे से टकराते रहेंगे, चाहे आप दोनों किसी मॉल में हों, किसी त्यौहार में या सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हों, ये एक अलग ही बात होगी। और ऐसा आप इसे बिल्कुल सही वक्त पर देखेंगे और जब आपको उसकी ज़रूरत हो। पांचवी निशानी, वो पहला शख्स होगा जिसे आप महसूस करते हैं कि वो आपके मसाइल को समझेगा। ज़्यादातर रिश्तों में हर साथी दूसरे को नहीं समझता, इससे एक साथी के लिए इजहार ख्याल करना नामुमकिन हो जाता है। ये जानते हुए कि चाहे वो कुछ भी कहे, वो फिर भी गलतफहमी का शिकार रहेंगे। किसी को समझना उन लतीफ़ निशानियों में से एक है जिसकी उन्हें पुरअज़म ताल्लुकात में रहने की ज़रूरत है। शायद आपने लड़कों के साथ इसका तजर्बा किया हो जिनके बारे में आपका ख्याल होगा कि ख़त्म हो जाएगा। जब कोई लड़का आपको समझता है और आपकी तरफ से इतनी वजाहत के बगैर आपके मसले को मुमकिन हल तजवीज़ करता है, तो कायनात ये कहने की कोशिश कर रही है
कि वो आपके लिए सही है। बोनस निशानी, जब आप उनके आसपास होते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। ऐसा हर कोई नहीं है जिसके साथ आप राहत महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों में जहरीली चमक होती है, लेकिन जब आप अपने बेहतरीन शख्स के साथ होते हैं तो ऐसा नहीं होता। चीज़ों का दबाव कम होगा, आपके मसाइल हल्के हो जाएंगे, चाहे कोई हल हो या ना हो, उनकी चमक आपको पुरसकून और गर्म महसूस होगी। जब वो आसपास होता है तो आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया के खिलाफ जंग में जा सकते हैं और फतह कर सकते हैं। ये एक अच्छी अलामत है कि कायनात चाहती है कि आप उसके साथ रहें और आप उसे दिल से कबूल करें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।